गाइस पतंग तो आपने बहुत साइजेस की देखी होंगी, छोटी से लेकर बड़ी पतंग तक मार्केट में मिलती हैं, और अगर नहीं भी मिलती तो हमने तो बड़ी बड़ी इवन 35-40 फुट की पतंग भी बनाई हुई है। लेकिन वो जो सारी पतंग होती है वो इस तरीके की चौकोर पतंग होती है। लेकिन आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास पतंग बनाने वाले हैं, जो कि है एक चमगादड़ पतंग, यानी कि बैट काइट। चमगादड़ वाली पतंग नहीं देखी होगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो कि भैया तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है 5 फीट से भी ज़्यादा, और आप लोग देखो अभी तो ये हो सकता है इतना बढ़िया से नहीं दिख रहा हो, क्योंकि ये सिर्फ पतंग का कंकाल है, इसके ऊपर अभी पूरी फ्रेमिंग करना बाकी है। तो फटाफट जी शुरू करते हैं। आप लोग इस कमाल के आइडिया के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो अपने छोटे भाई के लिए ज़रूर से दबा दीजिए। दोस्तों चमगादड़ होता है काले रंग का, इसलिए हमारे पास यहाँ पर है काले रंग की पन्नी, और इसी का यूज करेंगे चमगादड़ पतंग बनाने में। देखो कितना बड़ा इसका साइज है, और इसके ऊपर हमारा ये जो फ्रेम है ये रख देंगे। आप लोग यहाँ पर देखो कि किस तरीके से हमने छोटे छोटे इस तरीके के बांस के पीसेस काटे हैं, सारे खुद ने काटे हैं, उसके बाद में इस तरीके से इसमें गोल ये वाले सेक्शन लगाए हैं, और किनारे पर हमने धागा बांधा है जिससे पूरी स्ट्रक्चर एक साथ रहे, और ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर आप लोग देखो हमने चमगादड़ का मुंह बनाने की कोशिश करी है। तो अब इसको यहाँ पर लगाते हैं और इसको टेप और धागे की मदद से इसमें फिट कर देते हैं। कोई ना, तो तेरी साइड तो ले पकड़। तो गाइस यहाँ पर हम जो है एक्सपर्ट की सहायता ले रहे हैं पतंग बनवाने में। ये लगता सही से लोब का आराम से लग गया ना। तो भाई अब इस पतंग की जो बाहर की फ्रेम है वो तैयार हो चुकी है, अब सिर्फ थोड़ी सी फिनिशिंग देना बाकी है। और यार धूप बहुत तेज हो गई है, काफी गर्मी लग रही है, तो आप लोग भी प्लीज हमारी मेहनत के लिए नीचे लाइक जरूर से दबा देना। लेकिन हम लोग तो इसको फिनिश करके उड़ा के जाएंगे, भले ही गर्मी आए चाहे जितनी। तो यहाँ पर इसके ये जो किनारे हैं इनको हमको कुछ इस तरीके से कर्व शेप में काटना है, तो ये और अच्छा लगेगा। तो भाई पतंग हमने तैयार कर ली है, जो कि है यहां पर, और आप लोग देखो कि ये जो है कितना जबरदस्त दिख रही है भाई साहब, एकदम चमगादड़ की शेप में आ चुकी है। और खासकर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये जो है एकदम मस्त इसको लुक दे रहा है। और आप लोग देखो कितना बड़ा इसका साइज है, इसका जो विंग स्पैन है यानी कि जो पंखों की चौड़ाई है वो भी काफी ज्यादा है। और यहाँ पर हमने जो है इसमें धागे भी बांध लिए जिससे ये उड़ सकती है, उड़ाने के लिए एक मजबूत धागे का हम यूज करेंगे। मैं सोच रहा हूँ पहले बिना इसको छुट्टी दिए उड़ाते हैं, उसके बाद में अगर ये नहीं उड़ी तो इसको दूर ले जाएंगे और फिर उड़ाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भाई इसको हम उड़ा सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल पतंग को हम एक जगह से यहाँ बांधते हैं, एक यहाँ बांधते हैं, इसको हमने दो जगह यहाँ बांधा और तीसरी जगह नीचे, तो टोटल 5 पॉइंट्स पे हमने इसको बांधा हुआ है। तो अब इसको उड़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओए अबे उड़ रही है, हाँ हाँ गिर गई, बस रुक जा। तो भाई हवा जो है ना वो उस तरफ की है थोड़ी सी, लेकिन सूरज सामने तो थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा काला काला दिखे, लेकिन वहां पर पतंग और मस्त हवा है। छोड़ दे, अबे उड़ गई मस्त, इधर आ जल्दी है जल्दी है, चरखी पकड़। ओहो दोस्तों अरे यार भाई देख रहे हो आप लोग, अबे नीचे आ गई। ओए ओ गाइस जो पतंग है वो कितना मस्त तरीके से हवा में चढ़ी थी, मैंने जो है ज्यादा एक्साइटेड हो गया, पतंग पे ध्यान नहीं दिया, इस वजह से जो पतंग है वो नीचे डूब गई। लेकिन यार आसमान में चढ़ गई थी, मुझे एक बार फिर से दे, बस 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 छोड़ दे। अरे यार ये फड़फड़ कैसे करता है, रुक जा फिर से दे ना। ठीक है बस बस कोई दिक्कत नहीं है, मस्त ऊपर आता है और चमगादड़ की तरह ऐसे ऐसे भी करता है। आजा पकड़ ले, देखो देख 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 गाइस जैसे चमगादड़ पंख हिलाता है ना ये भी कुछ ऐसे हिलाता है। और आप लोग देखो कितना मस्त और कितना स्टेबल ये उड़ रहा है। भाई पकड़ पकड़ चरखी पकड़ जल्दी, अबे उलझ गई यार, डुबाना नहीं चाहता मैं। यार भाई जो पतंग है उसमें वेट काफी ज्यादा है, यानी कि बहुत भारी पतंग है, और ऑब्वियसली साइज बड़ा है तो भारी तो होना ही है, लेकिन हम इसको दूर बढ़ाने वाले हैं। ओए अबे हिचकोला ले,
और गाइस ये जो है ना देखो कितना दूर बढ़ रही है यार, चरखा जो है वो खाली होते जा रहा है दमादम, तो कितना तेज घूम रहा है यार ये। और हमारी जो चमगादड़ पतंग है वो वास्तव में चमगादड़ की तरह पंख हिलाती है, क्या बात है। गाइस कुछ भी कहो ये जो पतंग है उड़ाने में बहुत ही कमाल की है, और जैसे ही देखो झटका मारते हैं ऐसा लगता है चमगादड़ अपने पंख ऐसे ऐसे हिला रहा है। देखो क्या बात है, और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इतना तो मैंने नहीं सोचा था कि इतनी स्टेबिलिटी आएगी इसमें, क्योंकि यार हाथ से बनाई आफ्टर ऑल। गाइस यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो पतंग है ज़्यादा ही भारी है और मेरे को डर लग रहा है कि मेरे हाथ ना कट जाएं इससे, क्योंकि ये बहुत टाइट खींच रहा है, और जितना दूर ये जाए जा रही है उतना ही ज़्यादा जो है ये टाइट होते जा रही है, लेकिन वैसे एकदम स्टेबल है। लेकिन जैसे ही मैं खींचता हूँ देखो पंख फड़फड़ाती है चमगादड़, और पूरा चमगादड़ लग रहा है आसमान में अटका हुआ, ये पक्षी घूमने लग गए इसके चारों तरफ कि ये क्या है, ये कौन सा पक्षी आ गया, चलो दूर बढ़ाते हैं इसको, मुझे चलने दे लंबा। अरे वाह भाई, चमगादड़ कर रहा है आसमान की सैर पंख फड़फड़ाते हुए, और कमाल की बात ये है कि ये चमगादड़ जो है हमने खुद ने बनाया है। अरे देख ले देख ले देख ले, पैर में लग गई, कोई डूब जाएगी, डुबाना नहीं है, सीधा कर सीधा सीधा जब करूँ ना जब सीधा हो। अबे उठ जा मेरे भाई चमगादड़, कोरोना फैला दिया, अबे उठ जा साले। तो भाई जो पतंग है वो गिर गई नीचे, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं है, ये पतंग जो है इसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जो धागा है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, मुझे जल्दी जा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है यार, क्योंकि पतंग बड़े साइज़ की है लेकिन इतना कमाल तरीके से उड़ती है। हाँ बहुत दूर जाके डूबी है। और गाइस ये पतंग इस मिल गई पेड़ में उलझ गई थी, तो इसको लेके जा रहे हैं वापस, मिल गई। तो गाइस जो पतंग है वो हमने फिर से उड़ा दी और फिर से बढ़ा दी, आप लोग देखो कि कितना बढ़िया जो पतंग है वो आसमान में उड़ती है, और कितना मजेदार और कितना स्टेबल दिखती है। तो भाई अगर आपको आया मजा इस पतंग को देखने में, और किस तरीके हमने बनाई कैसे ये उड़ती है कितना स्टेबली पंख फड़फड़ा के, तो नीचे लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। धूप हो गई, दोपहर हो गई, अब घर जाएंगे जो है खाना खाएंगे, चलो चलो उतारो इसको, अब मस्त उड़िए भाई, घर लेके जाएंगे इसको।